दोस्तों आपने कई बार नहीं देखा होगा कि जो बीच का ये जो पोर्शन है, ये जो पिलर सेक्शन है, जो गियर लीवर वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन पे एक अलग सा स्टाइलिश कंसोल आपने कई लोगों की कार में देखा होगा, और आपको याद होगा कि भाई ये चीज़ आप भी आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा टफ नहीं होती है लगाना। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, और आज के इस वीडियो में ये जो एक म्यूज़िक कंसोल होता है, जिसमें मैं आपको बताता हूँ, ये एक म्यूजिक कंसोल होता है जो कि मार्केट में अब पूरी तरीके से गायब हो चुका है और अब मार्केट में मिलता नहीं है, लेकिन मैं किसी तरीके से लेके आया हूँ। देखिए इस तरीके से ये एक म्यूजिक कंसोल होता है जिसको आप गाड़ी में लगा सकते हैं, और ये इसका नीचे वाला जो पोर्शन है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक एडिशनल ट्रे मिलती है हमको, क्योंकि 800 बहुत पुरानी गाड़ी है, और इसमें आपको अपने जो निक नैक्स और ये जो ग्लव बाकी जो अदर एसेसरीज है जैसे मोबाइल, वो सारी चीज़ें रखने के लिए कोई स्पेसिफिक स्पेस नहीं दिया रहता है, इसीलिए मुझे मजबूरन ये चीज़ लेके आनी पड़ी, जिससे कि कम से कम ऐसा हो कि भाई जो जो बाकी स्टफ होते हैं अपने वो इसके इसमें रख जाएं, या फिर यहाँ पर ये जो सेक्शन है इसमें हम रख सकें। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इस म्यूजिक कंसोल को लगा सकते हैं। जैसा कि जो जिससे मैं लेके आया हूँ उसने बताया था कि आप गियर लीवर के जो बॉक्स है उसमें इसको लगा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसको लगाने की। तो गाइस ये जो कंसोल है कुल मिला के सिर्फ दो ही जगह पे फिट होता है, कहने का मतलब ये है। पहला तो इसमें ये होता है कि यहाँ पर ये जो तीन होल दिख रहे हैं आपको, ये जो है इस ये जो प्लेट है जिसमें कि ब्लोअर सिस्टम फिट रहता है, उस ब्लोअर सिस्टम में फिट होता है। और जो इसका दूसरा हिस्सा है वो है ये वाली जो ट्रे, ये जो ट्रे है ये नीचे की तरफ गियर बॉक्स से जो निकलने वाला जो दो बोल्ट होते हैं उसमें आपको एक जैक लगा के कसना होगा। तो आइए पहले ऊपर वाले को कसते हैं और फिर इसको देखते हैं। तो गाइस इस तरीके से ये जो दो बोल्ट हमने एडिशनल लगाए हैं, आप जो देख देख सकते हैं, जो बीच वाला है उसको हमने छोड़ दिया है क्योंकि वो अंदर की तरफ था। तो ये जो दो स्क्रू हैं, बेसिकली नट बोल्ट नहीं है, ये स्क्रू हैं, और पीछे की तरफ जो पत्ती है या फिर जो एक स्ट्रिप लगी हुई है वो काफ़ी ठीक ठाक थी, जिसमें आसानी से फिट हो गया। अब दूसरा एक ऑप्शनल चीज़ ये है कि यहाँ पर गियर लीवर से भी आप जो है एडिशनली इसको कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से ये जो चीज़ है ये काफ़ी स्टेबल हो गई है और हिल तो नहीं रही है इतनी आसानी से। तो आप चाहें तो इसको सिर्फ ऊपर वाले दो नटों के थ्रू भी रख सकते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ग्लास होल्डर की भी व्यवस्था हो गई है, और यहाँ पर आप अपना फ़ोन वगैरह या फिर कोई भी किसी भी तरीके के गॉगल वगैरह या फिर किसी भी तरीके का सामान जो है इसमें आसानी से आ जाएगा, रख सकते हैं। प्लस यहाँ पर स्लिप वगैरह या फिर कुछ और छोटे मोटे सामान रखने के लिए भी जगह बन गई है। हैंड ब्रेक जो है उसके नीचे भी रेस्ट बढ़िया दिया हुआ है। तो ये जो चीज़ अगर आप अपनी कार में लगा लेते हैं तो इससे कार में जो यूटिलिटी सामान रखने की जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब आइए इसको फाइनली कसते हैं और देखते हैं कि और इसको हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि हम यहाँ से म्यूजिक सिस्टम को निकाल के इस वाली ट्रे में लगा दें, जो कि मुझे ठीक ऑप्शन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये यूँ खुल जाएगा अगर आप इसको खींचे तो। तो इस तरीके से ये जो जिसके ऊपर लिखा हुआ है ये जो ट्रे है आप इसको आसानी से निकाल सकते हो, और यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम भी फिट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये हमारा काम हो गया, अब आइए इसको फाइनली फिट कर देते हैं। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये बहुत अच्छी फिटिंग के साथ में बैठ गया है, और अगर कभी बीच में लगेगा तो उसको खोल के कर देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये छोटा सा जो म्यूजिक कंसोल लगाने का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके पास में भी 800 है तो आप भी उसमें इस तरीके का कुछ लगा सकते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा दिखता है, मतलब दिखने में काफ़ी अच्छा होता है, और आप इसमें कई सारे जो सामान हैं जो कि अभी फ़िलहाल इस गाड़ी में अवेलेबल नहीं है उनको रख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो।